तो बच्चों पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 1-2 आपका हो चुका है और काफी अच्छे खासे से बेटा वो हो चुका है, क्योंकि उसमें कंटेंट भी काफी अच्छा जो है कवर हो गया है, ठीक है ना। अभी हम पार्ट नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम भर्ती के बाह्य स्रोत की बात कर रहे हैं, यानी बाहरी स्रोतों की बात करेंगे। और एक चीज याद रखना बच्चे कि इन सभी स्रोतों को जो मैं आपको 10 या 11 बताने वाला हूँ, तो इन 10 या 11 को प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बीच में से अगर किसी के ऊपर अगर घुमा के क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पहचानना जरूर पड़ेगा कि कौन सा वाला है, तो पहचान तभी पाओगे जब आपको उसके बारे में पता होगा। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसने बोला प्रत्यक्ष भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। इसने बोला इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी के आधार पर, यानी जो आज के टाइम पे आज के दिन जो मजदूरी होगी उसके आधार पर भर्ती करने के लिए उपलब्ध खाली पदों का विवरण, यानी खाली पदों का विवरण जो होता है वो संगठन के सूचना पट पर लगा दिया जाता है। सूचना पट मतलब होता है जो नोटिस बोर्ड होता है ना, नोटिस बोर्ड उस पर लगा दिया जाता है। तो उसने बोला इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी के आधार पर, यानी दैनिक मजदूरी अभी क्या मजदूरी चल रही है उसके आधार पर आज के लिए जो मजदूरी चल रही है, ठीक है ना, जो भी भर्ती के लिए जो उपलब्ध जो खाली पद है उसका विवरण जो संगठन का जो सूचना पट होगा, नोटिस बोर्ड होगा, इंग्लिश में नोटिस बोर्ड लिख देना, पर लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया। और याद रखना ये जो होता है ना सूचना पट, ये संगठन के या जो कारखाना जो भी होता है उसके गेट पे लगाया जाता है, ताकि बाहर से जो भी इधर उधर गुजर रहा हो वो उसको पढ़ ले कि यहाँ पे इतने जो है पद खाली है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। नंबर 2, आकस्मिक बुलावा। इसने बोला इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत संगठन अप्रार्थित प्रार्थित उम्मीदवार, ठीक है ना, अप्रार्थित उम्मीदवारों का मतलब होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने 5 बंदे मुझे चाहिए थे, आ गए थे 20 बंदे, तो जिसमें से मैंने क्या 15 बंदे निकाल दिए और 5 बंदे रख दिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जो मैंने 15 बंदे निकाले उनको मैं बोलूंगा अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, यानी वो एप्लीकेंट जिनको मैंने अभी चुना नहीं है, मगर जैसे ही खाली पद होंगे उनका, क्योंकि डेटाबेस तैयार रहता है तो जैसे खाली पद खाली होने पर उन्हें आसानी से भरा जा सके, तो उसके लिए मैं उनका भी डेटा मेंटेन करूंगा जिनको मैंने कंपनी में नहीं रखा, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट अभी 5 जनों की थी मगर आ गए थे 20 जने, तो 15 मैंने निकाल दिए थे। तो वो जो 15 निकाल देते हैं उनका भी डेटाबेस में मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हीं 15 को पहले कॉल करूंगा कि आप आइए और यहाँ पर आकर के क्या काम करिए। क्लियर हो गया। तो उसने पहला वाला जो है हमारा प्रत्यक्ष भर्ती है, प्रत्यक्ष भर्ती में मैंने आपको बताया कि ये भर्ती इससे अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी के आधार पर भर्ती करने के लिए जो उपलब्ध खाली पद है उनका विवरण, यानी उनके बारे में जो है संगठन के सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, और ये नोटिस बोर्ड संगठन के गेट पे होता है, ठीक है ना। आकस्मिक बुलावा में उन्होंने कहा ये इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत संगठन जो अप्रार्थित उम्मीदवार जो होते हैं, यानी जो अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि चुने नहीं गए थे, ठीक है, उनका भी डेटाबेस मेंटेन रहता है ताकि खाली पद होने पर उन्हें आसानी से भरा जा सके। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप पहले लिखते हो और उसके बाद पढ़ाते हो, ऐसा क्यों करते हो, साथ साथ में क्यों नहीं लिखते हो। देखो बच्चे, देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, अगर मैं साथ साथ लिखने जाऊंगा ना तो बेटा जो 10-15 मिनट की वीडियो है ना वो पूरा पूरा 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि भाई लिखते जाओ फिर समझाओ टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके टाइम को मैं बचा सकूँ, और उसको बचाने का एक ही तरीका, मेरे को तो तब भी उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो मैं पहले लिखूंगा फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, फिर वापस मिटाऊंगा, फिर लिखूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे तो पूरा 10-15 मिनट की वीडियो में भी 1 घंटा लग जाता है, बड़े प्यार से लग जाता है, ठीक है ना। बट आप फिर उसके बाद एडिट वेडिट करने का अलग टाइम उसका भी जाता है, मगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर मैं आपको क्या नाम है लिख करके फिर आपके वीडियो वीडियो समेत समझाते समझाते लिखूं, तो उसमें क्या आपको एक छोटी सी 10-12 मिनट के कॉन्सेप्ट के लिए 1.5 घंटा या 1 घंटा लगाना पड़ जाएगा, जिससे आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके टाइम को मैं बचाऊँ, तो बचाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं पहले लिख लेता हूँ और देन फिर मैं आपको समझाता हूँ, तो उससे आपका भी जो 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है, 10 या 15 मिनट में खत्म हो जाता है, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। है तो आपके बेनिफिट के लिए करता हूँ। देखो मेरे को तो दोनों में ही सेम टाइम लगने वाला है, तो बस आपका टाइम बचाने की कोशिश की जाती है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको। पॉइंट नंबर 3, विज्ञापन माध्यम। अगर बात करें तो विज्ञापन माध्यम में क्या होता है, इसमें समाचार पत्रों या रोजगार समाचार या पत्रिकाओं आदि के सहायता से ये किया जाता है, ठीक है ना। तो यह है समाचार पत्रों के थ्रू, न्यूज़पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जो इम्प्लॉयमेंट के जो न्यूज़ होती है, जो आती है मैगजीन वैगजीन जो आती है, उनकी सहायता से यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को किया जाता है, ठीक है ना। मतलब लोग देखे जाते हैं कि भाई किनको भर्ती करना है किनको नहीं करना है, सब इनके हिसाब से देख लिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे वो देते हैं एडवर्टाइजमेंट टाइप के देते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, तो यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है।
फिर रोजगार कार्यालय यानी गवर्नमेंट एक्सचेंज की बात कर रहा है, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला बोल लो या राज्य बोल लो, तो सरकार क्या करती है वहां पे द्वारा रोजगार कार्यालय खोले जाते हैं। सर दिल्ली में भी दिल्ली एम्प्लॉयमेंट की अपनी साइट है, यूपी में यूपी वालों की है, तो ऐसी इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में राज्य में क्या होता है सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय खोले जाते हैं जहां पर नौकरी के जो इच्छुक व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं दर्ज होते हैं। तो संगठन यहां से भी क्या कर सकता है इनको उठा सकता है लोगों को। प्लेसमेंट एजेंसीज और प्रबंध परामर्शदाता अथवा उच्च अधिकारी खोजक, ठीक है, ये दोनों के दोनों कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेटा कंसल्टेंसी का मतलब हो गया आपको एक तरह से कंसल्टेंसी देना और उसके बदले फीस लेना, मतलब आपको राय देंगे और उसके बदले फीस लेंगे। तो ये वाला याद रखना दोनों में अंतर क्या है, ये निजी लोगों द्वारा स्थापित की जाती है, निजी लोगों द्वारा स्थापित की जाती है और यह संस्था के आग्रह करने पर, यानी जब संस्था बोलती है तो संस्था की ओर से ये भर्ती एवं चयन का पूरा कार्य करती है और इसके लिए ये संस्था से क्या लेती है कुछ फीस भी लेती है। जबकि प्रबंध परामर्शदाता अथवा उच्च अधिकारी खोजक में क्या होता है इसका विपरीत भर्ती के उस रोज से जिसके अंतर्गत प्रबंध परामर्शदाता फर्में, यानी इसमें कौन आता है प्रबंध परामर्शदाता फर्में आती है विभिन्न संगठनों में कौन कौन से, एक तो मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय अधिकारियों के, यानी जो मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय अधिकारियों के खाली पदों को भरने में मदद करती है, कौन सा मिडिल लेवल में टॉप लेवल में जो खाली पद है उनको भरने में मदद करती है, ठीक है ना। तथा इसके लिए भी वो क्या करती है फीस प्राप्त करती है, बेटा क्या करती है फीस प्राप्त करती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हमने कितने पॉइंट पढ़े, अभी हमने 6 पॉइंट पढ़े जिसमें पहला है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दैनिक मजदूरी के आधार पर जो भर्ती के लिए जो उपलब्ध मतलब उपलब्ध खाली पद है उनका विवरण संगठन के सूचना पट पर लगा दिया जाता है, नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है और संगठन के गेट पे होता है। क्लियर। दूसरा आकस्मिक बुलावा, मैंने कहा कि इनमें ना उन लोगों की उन उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है जिनको अभी आपने चुना नहीं था बट उनका भी डेटाबेस मतलब तैयार रखते हैं यहाँ पे ताकि खाली पद होने पर उन्हें आसानी से भरा जा सके। विज्ञापन माध्यम में समाचार पत्र रोजगार समाचार पत्रिकाओं की का यूज करते हैं, इसमें जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट देते हो कि हमें इतने बंदों की जरूरत है। रोजगार कार्यालय में क्या होता है प्रत्येक जिला या प्रत्येक राज्य में क्या होता है सरकार का भी एक अपना रोजगार कार्यालय होता है जहां पर नौकरी के जो इच्छुक लोग हैं उनके नाम यहाँ पे दर्ज होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज की बात करें या प्रबंध परामर्शदाता अथवा उच्च अधिकारी खोजक की बात करें तो पहले वाले में ये निजी लोगों द्वारा स्थापित की जाती है और संस्था के आग्रह करने पर यह संस्था की ओर से भर्ती एवं चयन का जो पूरा काम है उसको करती है और उसके लिए संस्था से कुछ फीस भी लेती है पहला वाला, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी। जबकि दूसरे वाले में क्या है ये क्या है क्या करती है इसमें प्रबंध परामर्शदाता फर्में आती है जो कि उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय है, ठीक है, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय जो अधिकारियों के जो खाली पद होते हैं उनको भरने में मदद करती है और इसके लिए भी ये क्या लेती है फीस लेती है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें एक चीज याद रखना, रोजगार कार्य वाला जो पॉइंट मैंने बताया उसमें आप खुद अपनी गूगल का यूज करके वहां पे रोजगार कार्यालय देख सकते हो और वहां पे भी आप 12th के बाद अपने नाम भी वहां पे दर्ज कर सकते हो, ठीक है ना। हर स्टेट का अपना रोजगार कार्यालय होता है, यहाँ पे आप अपना नाम पूरा जो डिटेल है वहां पे आप रख सकते हो ताकि यहां से भी आपको क्या है जॉब ऑफर आ सके। अब आगे देखिए दोस्त, अगला है कैंपस भर्ती। कैंपस भर्ती में क्या होता है जो शिक्षण संस्थाएं होती है उसके अंदर से भर्ती की जाती है, मतलब जैसे कि आप कॉलेज कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो तो आपके यहाँ से भी प्लेसमेंट जो है एजेंसीज आती है और प्लेसमेंट करके ले जाती है, मतलब उठा कर ले जाती है आपको, ठीक है ना। मतलब कंपनीज आती है और जॉब ऑफर देती है, आपने सुना होगा कि क्या नाम कॉलेजेस में आती है और ऐसे लेके जाती है, बोलती है कि जॉब ऑफर लेके आती है और बहुत सारे बंदों को सेलेक्ट कर लेती है ना, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें क्या है शिक्षण संस्थाएं यानी जो विश्वविद्यालयों के इन जगह आकर के फिर वो जॉब ऑफर मतलब इस तरह से दे करके लेके जाती है, भर्ती करती है मतलब, ठीक है ना। उसके अलावा कर्मचारी द्वारा संस्तुति या सिफारिश यानी रेफरेंस से भी हो सकता है, जैसे मान लो आपके चाचा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या आपके नाम की सिफारिश दी है कि मेरा भी एक भतीजा और वो बहुत मतलब अच्छा है ये वो है तो आप इसको रख लीजिए, तो सिफारिश पे भी हो जाता है। तो इसके अंतर्गत संस्था में अच्छे श्रम प्रबंध संबंध स्थापित करने के लिए उद्देश्य से प्रबंधक कभी कभी जो भर्ती है वर्तमान कर्मचारी की सिफारिश पर, किस पे, जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं जैसे जो आपके चाचा जी काम कर रहे हैं तो उनकी सिफारिश से भी कर देते हैं भर्ती कई बार, ठीक है। और इस स्रोत का जो प्रयोग होता है प्राय निम्न स्तरीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए करता है, किसके लिए करते हैं निम्न स्तरीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये इसलिए भी किया जाता है, देखो अगर मान लो मैं अनजान बंदे को रख रहा हूँ तो मुझे उसको चेक करना पड़ता है, बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ चेक करनी पड़ती है, ठीक है ना। मगर अगर मैं किसी का रेफरेंस अगर मैं किसी बंदे को उठा रहा हूँ तो मुझे क्या है भरोसा रहता है, विश्वास बना रहता है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए कई बार क्या है रेफरेंस से बंदे को उठाया जाता है। तो उसके अंतर्गत संस्था में अच्छे श्रम प्रबंध संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से
प्रबंधक कभी कभी भर्ती जो है ना वो वर्तमान कर्मचारी की सिफारिश से भी करते हैं, और इस स्रोत का प्रयोग प्राय निम्न स्तरीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। फिर आता है श्रम ठेकेदार, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो श्रम जो ठेकेदार होते हैं वो श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मान लो ये श्रमिक है, ये प्रबंधक है, तो इनके बीच में एक कड़ी का काम करेंगे, ठीक है। ठेकेदार दोनों के साथ क्या होता है, संपर्क में रहते हैं। जो ठेकेदार होते हैं वो दोनों के साथ, वो श्रमिकों के साथ भी संपर्क में रहेंगे और प्रबंधकों के साथ भी क्या संपर्क में रहते हैं, क्लियर हो गया। और प्रबंधकों के कहने पर जैसे प्रबंधक डिमांड करते हैं तो उनके लिए क्या श्रमिकों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। बोलते मुझे 20 लोग चाहिए तो 20 लोग देते हैं, 30 लोग चाहिए तो 30 लोग, क्योंकि इसके दोनों के साथ संपर्क होता है अच्छे, ठीक है ना। और ज्यादातर मुख्य रूप से जो श्रमिकों की मांग की जाती है वो सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बागान उद्योगों आदि के लिए की जाती है, मतलब इन चीजों के लिए उनकी डिमांड की जाती है, क्लियर हो गया। फिर आता है प्रसारण यानी टेलीकास्टिंग। तो इसमें क्या, आजकल बड़े जो संगठन है वो टेलीविजन पर खाली पदों के प्रसारण को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो टेलीविजन पर आकर के क्या भर्ती के लिए जो खाली पद जो है उनके लिए क्या है प्रसारण दे रहे हैं, विज्ञापन देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वेब प्रकाशन, अब ये और विज्ञापन वाला कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, याद रखना, ठीक है ना। वेब प्रकाशन की बात करें तो इसके अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से जो भी वेबसाइट बनाई जाती है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या है भर्ती की जाती है। जैसे आपने naukri.com सुना होगा, ठीक है ना, अपना जॉब आजकल आ रखा है तो वो सुना होगा, तो उसके माध्यम से यहाँ पे क्या होता है भर्ती की जाती है, तो मतलब इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हो गया, इसमें याद रखना बड़े संगठन वर्ड यूज हो रहा है और टेलीविजन यूज हो रहा है, ठीक है ना। पर खाली पदों का क्या होता है प्रसारण को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। आजकल बड़े जो संगठन है वो टेलीविजन पर खाली पदों के प्रसारण को क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटे, 11 के 11 खत्म हो गए हैं। अब आगे देखिए बच्चे, हमारे पास है भर्ती के जो भारी स्रोत है उसके लाभ और उसकी हानियां। तो अगर भारी स्रोत से अगर हम बंदे को उठाते हैं तो एक तो योग्य कर्मचारी को प्राप्त करने में सहायक है, आपको योग्य कर्मचारी मिलेगा तो आपको पता है बिल्कुल। दूसरा नवीन गुण का लाभ मिलेगा यानी बिल्कुल फ्रेश टैलेंट मिलेगा, तो आप लिख सकते हो फ्रेश टैलेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नया टैलेंट होगा, ठीक है ना। चयन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाएगा, आप बहुत सारी आपको जगह मिल जाएगी जहां से आप क्या बंदे को उठा सकते हो। अगर भर्ती के अंदर से कर रहे थे तो फिर आपका चयन का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता, आपको पता है कि इनमें से एक दो को उठाना है। तो बाहर से उठाते हो तो चयन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है, योग्य कर्मचारी प्राप्त करने में सहायक है और नवीन गुण यानी फ्रेश टैलेंट आपको मिल सकता है। इसमें क्या प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जाती है, क्या होती है प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है, जहां प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जाएगी समझ लो काम अच्छे से हो गया। जब कॉम्पिटिशन होता है तभी कुछ अच्छे से निकल के आता बेटा। बाहर से भर्ती करने पर पक्षपात की संभावना क्या है, कम होती है। अगर मैं बाहर से बंदा उठा रहा हूँ तो पक्षपात की जो संभावना है वो भी कम होगी, क्योंकि अगर अंदर से उठाता हूँ ना तो वो बोलेगा मुझे क्यों उठाया, तो थोड़ा पक्षपात रहता है, ठीक है। या फिर आप क्या अपने जो बिल्कुल प्रिय होगा उसी को उठाओगे तो फिर थोड़ा पक्षपात देखने को मिलता है। तुम्हारा जो बाहर से होगा तो उसमें पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो, बिल्कुल नए बंदे होते हो। तो भर्ती के जो भारी स्रोत के जो लाभ है, एक तो योग्य कर्मचारी आपको प्राप्त हो जाता है, नवीन गुण का आपको लाभ मिलता है, चयन का क्षेत्र आपका विस्तृत हो जाता है, प्रतियोगिता की जो भावना है प्रतियोगी भावना जो होती है वो पैदा हो जाती है, और बाहर से भर्ती करने पर जो पक्षपात की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। भर्ती के भारी स्रोत की हानियां क्या है, एक तो वर्तमान का जो स्टाफ है उसमें असंतुष्टि रहती है कि यार मुझे क्यों नहीं बोला, ठीक है, तो ये असंतुष्टि थोड़ा देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। लंबी प्रक्रिया भाई साहब, बहुत पूरा प्रोसेस लगाना पड़ता है, ठीक है ना, तो लंबी प्रक्रिया है जिसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है, अधिक महंगा है, समय भी काफी लग जाता है। तो काफी बेसिक से पॉइंट है, ठीक है, जो कि उसमें जो क्या था यहाँ पे लाभ बन गए थे, वहां पे टाइम कम लग रहा था, कॉस्ट कम लग रही थी, किस वाले आंतरिक वाले में, और बाहरी वाले में सब कुछ ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि देखने को मिल सकती है, लंबी प्रक्रिया है, अधिक लागत है, अधिक समय। एक चीज ना, आंतरिक के जो लाभ थे वो उसकी हानियां हो रही है इस वाले की, और जो उसकी जो उसके लाभ है इसके लाभ है वो उसकी हानियां, मतलब इस टाइप को थोड़ा बन सकता है, कौन सा बनाना चाहे तो, ठीक है ना। गलत चयन की यहाँ पे संभावना हो सकती है, और ऊंचे पद पर अगर मान लो मैं आप मेरे अंडर काम कर रहे हो और मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपको ना आगे प्रमोट नहीं करूंगा, मैं आपको उच्च पद नहीं दूंगा, तो गारंटेड आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की पूरी कोशिश करोगे, यानी मेरे यहाँ से जॉब छोड़ने की पूरी कोशिश करोगे, यही होगा ना। तो उसने यही लिखा है, ऊंचे पद पर नियुक्ति ना होने की संभावना, यानी आपको पता है कि यार ऊंचे पद पर नियुक्ति नहीं होगी यहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे मेरे लिए करियर अच्छा नहीं है, तो ऐसे कारण से श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि होती है, यानी लेबर टर्नओवर देखने को ज्यादा मिलता है, लेबर जो है जॉब छोड़ के ज्यादा जाती है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो उसने बोला भर्ती के भारी स्रोत की हानियां ये कि वर्तमान जो स्टाफ है उसमें असंतुष्टि देखने को मिलती है, लंबी प्रक्रिया है, टाइम ज्यादा लगेगा, समय कॉस्ट ज्यादा लगेगी,
लागत ज्यादा लगेगा, गलत चयन की संभावना होती है, और ऊंचे पद पर नियुक्ति ना होने की जो संभावना होती है उसके कारण कई बार लेबर टर्नओवर देखने को मिलता है, मतलब लेबर जो है जॉब छोड़कर निकल जाती है। तो श्रम परिवर्तन दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर हो गया? तो श्रम परिवर्तन दर क्या होती है, जब जो श्रम है यानी श्रमिक है वो जॉब को छोड़ के जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।